भारत सरकार के पास एक कोषाध्यक्ष और खजांची है जो धन आदि की देखभाल करता है। पाकिस्तान सरकार के पास तोशखाना नाम का अपना खजाना है। उसके कुछ नियम है। जब भी विदेशी प्रतिनिधि, व्यापारी, मंत्री बैठक, व्यापार आदि के लिए पाकिस्तान जाते हैं, तो वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को महंगे उपहार देते हैं। उपहारों की जानकारी कोषाध्यक्ष को देनी होती है। नियमों के अनुसार 30,000 पाकिस्तानी रुपए से कम कीमत वाले उपहारों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि उपहार की कीमत 30,000 पाकिस्तानी रुपए से अधिक है, तो उसे कोषागार को सूचित करना होता है। यदि वे उपहार रखना चाहते हैं, तो उन्हें मूल्य का कुछ प्रतिशत देना होता है। यदि वे उपहार नहीं रखना चाहते, तो उन्हें खजाने को दे दिया जाता है। हालांकि अगर वे चाहते हैं, तो उन्हें 1% भुगतान करना पड़ता है। ये नियम है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें काफी विवाद के बाद पद से हटा दिया गया था, और अक्टूबर 2022 में ये पाया गया कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया भर से बहुत सारे उपहार मिले थे। हालांकि खान ने खजाने को सूचित किए बिना सारे उपहार अपने पास रख लिए। इससे विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्हें अवैध रूप से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को कुछ उपहार बेचते हुए भी पाया गया था। ये बताया गया है कि खान ने अपने द्वारा रखे गए और बेचे गए उपहारों पर लगभग 105 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का लाभ कमाया। वो इसकी अनुमति नहीं थी। अब इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अदालत ने खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। खान ने कहा कि उन्होंने मूल्य का प्रतिशत चुकाकर सरकार से उपहार खरीद लिए थे। उन्होंने तोशखाना को आवश्यक शुल्क अदा करने के बाद उपहारों को बेचने की बात स्वीकार की। उन्होंने इन दावों का खंडन किया कि उन्होंने अवैध रूप से उपहार बेचे थे। उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया था। खान ने कहा कि वह गोली लगने की चोट से उभर रहे हैं और सुरक्षा कारणों से वह अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। जब पाकिस्तानी पुलिस खान को पाकिस्तान के लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार करने गई, तब खान के समर्थकों ने रास्ता जाम कर दिया और ईंट फेंकी तथा वाहनों में तोड़फोड़ की। उनके घर के बाहर पुलिस और खान के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुई। पुलिस को भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये 2 दिन तक चला और खान ने बाहर आने से इनकार कर दिया। झड़पें अब भी जारी है। आश्चर्यजनक एक वीडियो संदेश में खान ने कहा, मैं आप सभी का समर्थन करता हूं और पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ना जारी रखूंगा। मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे जेल हो जाए या मार दिया जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान के लोगों का समर्थन करूंगा। मैं आपके अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने सभी नियमों का पालन किया है। कोई मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, मुझे यह अच्छे से पता है। वीडियो में उन्होंने यही कहा था। खान ने एक लंबी टेबल पर बैठे कैमरे के लिए पोज दिया, जिसमें उनके घर के आसपास से इकट्ठा किए गए आंसू गैस के गोलों के ढेर को दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि यह कितना गलत है। लोग उनके बयानों से भ्रमित थे।
क्योंकि पहले उन्होंने साझा किया था कि सुरक्षा कारणों से वह अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन फिर अपने भाषण में कहा कि वे गिरफ्तार होने के लिए तैयार है लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बहाने देने के बजाय खान अदालत की कार्रवाई में क्यों नहीं जाते हैं?